अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आई होप आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सो गाइज, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस व्लॉग का तो गो मस्ट वॉच द फर्स्ट पार्ट, यू विल एंजॉय इट अ लॉट। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी वैली। सो वैली का नेम है गंगवार सुयू वैली। ओके, जो वैली है, जो नेम है, गढ़वाली में है, गंगवार सुयू वैली। एंड जहाँ से हम देखेंगे यू नो सनसेट पॉइंट, एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है सनसेट पॉइंट देखना, कहीं भी जाओ तो मुझे बहुत पसंद है। एंड यस, जैसे जैसे मैं यू नो आगे जाते जा रही हूँ, अपनी वीडियो भी थोड़ी फास्ट कर दूँगी ताकि आपको रास्ते भी दिखते चले जाए कि हम किस तरह से जा रहे हैं। सो लास्ट पार्ट में जिस मैंने आपको बताया था, ये है कंडोलिया फील्ड। यहाँ पे लोग आते हैं स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने, एथलीट जो भी हैं सब अपनी प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी अच्छा माहौल होता है। एंड अगर आप पहाड़ों में आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपना व्हीकल कहीं भी पार्क कर दें एंड बाय वॉक ही इंजॉय करें पूरी जर्नी को। सो अगर गर्ल्स हैं तो मेक श्योर कि आप यू नो हील्स में ना आए, कंफर्टेबल होकर आए, कोई बूट्स ना पहने क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है। एंड मेक श्योर कि आप कपड़े ज़्यादा पहने अगर मौसम यू नो है कि हाँ चलो ठंड हो गई है तो। सितंबर में तो बहुत अच्छा ठंडा हो जाता है। बाय द वे, जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम रहता है साल के 12 महीने, तो इसलिए काफ़ी ठंड है शाम में, सुबह शाम में ठंड है। एंड लिटरली यहाँ पे आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको पहाड़ों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको फ्रेश एयर मिलती है, आप बहुत सारी चीज़ों से यू नो फ्री होते हैं, बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। इनफैक्ट बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है नेचर में। तो मैं यहाँ पे जस्ट सामने बैठी हूँ, ले रही हूँ विटामिन डी। तो अभी सन जो है ना ढलने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पे कुछ आसपास की लेडीज़ हैं जो आ जाती हैं। बाय द वे, यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं तो यहाँ पे मैं उनसे बात कर रही हूँ। एंड यस, सो जैसे ही हम आगे जाएंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे बैठने के और यू नो अच्छे से इंजॉय करने के। तो जब तक यू नो टाइम होता है मैंने इधर उधर थोड़ा सा कैप्चर कर लिया सराउंडिंग्स को। तो जैसे आप सामने देख सकते हैं ये भी एक सनसेट पॉइंट है। एंड इसी तरह से और आगे जाके भी जो है ना जगह जगह बहुत सारे टर्न्स है, उस पर आपको इस तरह के पॉइंट्स मिल जाएंगे। नीचे भी आप देख सकते हैं वहाँ पर भी पॉइंट बना हुआ है, तो यहाँ पर आप बैठ सकते हैं एंड यू नो इन्जॉय कर सकते हैं। तो अभी हम घर से काफ़ी दूरी पर हैं, 3.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट तो हो गई कि हम इतना वॉक करके आ चुके हैं एंड इतने ही हमें जाने में लग जाएगा। तो बाय द वे कितना खूबसूरत व्यू है। एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि ये आप कितना भी महंगा कैमरा ले लीजिए उससे कैसा भी यू नो व्यू कैप्चर कर लीजिए, लेकिन जो आपकी आँखें देख सकती है उससे बड़ा कोई कैमरा नहीं है। अल्लाह सुबहानहु व तआला की कुदरत वाकई में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड यहाँ पे नीचे एक पॉइंट है आप देख सकते हैं जस्ट सामने वैली के। सो यहाँ पे अब हम मैं जाने लगी हूँ अंदर पॉइंट की तरफ, क्योंकि हम इधर उधर थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा टहल रही थी। एंड अंदर जो है माय ब्रदर इज़ वेटिंग। सो अब हम यहाँ पे कैमरा फिक्स कर लेंगे एंड व्यू को कैप्चर करने के लिए एंड इन्जॉय द व्यू। मैं ये कहूँगी कि नेचर को बहुत इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि नेचर में आपको लिटरली बहुत अच्छी वाइब्स मिलती हैं और आपका जो पूरा ऑल ओवर मूड है वो फ्रेश हो जाता है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। सो या नेचर हील्स यू। सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत व्यू था। सो शाम हो गई है ऑलमोस्ट, रात होने लगी है, तो अब हम जाएंगे वापस। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है, नेचुरल कलर्स हैं एकदम,
अभी, क्योंकि मैंने जैसे बताया था आपको लास्ट पार्ट में वैली जो है इतनी क्लियरेंसली नहीं आई है, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे धुंध है एंड वहाँ रहती है धुंध, क्योंकि वहाँ पे एक लेक है, झील है। सो यस, अभी मैं आपको इस ग्राउंड के अंदर जाकर दिखाऊंगी, बहुत ही बड़ा फील्ड है ये। अब ये एंट्री कंडोलिया की एंट्री है, जब भी आप कभी कार बाइक किसी से भी आते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ से एंटर करेंगे। ओके, अब हम नीचे जा रहे हैं, तो जिस रास्ते से हम आए थे वो रोड वाला रास्ता था, अभी हम जो जा रहे हैं वो यू नो सारा स्टेयर्स वाला रास्ता है, तो थोड़ा शॉर्टकट है। एंड यस, इसी तरह से रास्ते होते हैं पहाड़ों में। तो अब मैं यहाँ से अपनी वीडियो थोड़ी फास्ट कर दूँगी अब, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो हम मार्केट प्लेस पे पहुँच गए हैं एंड यस, अब हम कुछ खाएंगे पियेंगे क्योंकि सो मच हंग्री आफ्टर वॉकिंग अलॉट। सो यहाँ पे जो हम लेने वाले हैं इसे कहते हैं गढ़वाली जंक फूड है, दिस इज़ कॉल्ड थुप्पा। सो अगर आप कभी आते हैं गढ़वाल में तो मेक श्योर टू यू नो ट्राई दिस फूड। वैसे यूजुअली जब भी आप कहीं पहाड़ों में जाते हैं आपको मैगी मिलती है, लेकिन थुप्पा भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड यस, हमने लिया है यहाँ पे मोमो। सो दिस वॉज माई जर्नी विद माई ब्रदर्स। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अमेजिंग व्लॉग के साथ। पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।